अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मिक्स प्लेट में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुजर रहा है वीकेंड भाई आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और मैच देखते ही गुजर रहा होगा। भाई साहब, मेरा तो अभी मैंने थोड़ा सा ही देखा है, 5-6 ओवर और 2 आउट हो गए, तो मेरा तो भाई बददिल हो गया हल्का सा। मैं कि भाई मैच देख के क्या फ़ायदा, टीम की परफॉर्मेंस तो देख के मैं बददिल ही हो गया। तो मैंने कहा भाई छोड़ो, अब इसको क्या देखना। तो मैंने कहा चलें आपसे एक वीडियो शेयर करते चलें। पिछले दिनों जो है हमने अपना घर रेनोवेट करने की थोड़ी सी कोशिश की थी, अभी भी इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो घर की जो कमरों की छतें वगैरह हैं उसको हमने वो जो है थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश करवाई थी बाहर से डिज़ाइनर से। तो वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि हमने क्या करने की कोशिश करी है, और आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये हमारा आइडिया। तो आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये रोक लेते हैं इसको ऊपर से जी, बिल्कुल टाइट, ये गिरेगा नहीं पक्का, इतना मजबूत होता है ये। नहीं यार,
और ये हमने स्लाइडिंग डोर लगवाया है, ये इस तरह से करके क्लोज हो जाता है। ये सेपरेट का सेपरेट हो गया घर पूरा इनका, इस तरह से बैक साइड पे वॉशरूम हमने बना दिया है। और ये इस तरह से करके जी इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं, और इस साइड पे ये हमने इस तरह से बनवाया है। ये हमने जाली लगाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसके पेश नज़र हमने जो ये जाली लगवा दी है पूरी। और ये स्पेशियस है काफ़ी, वेस्ट ओपन मकान है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत सा है। कोशिश तो करिए खूबसूरत बनाने की, बाकी आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको। नैन साहब कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं? कमरे को तो थोड़ा सेट कर लें यार, बड़ी मेहरबानी है आपकी यार, आप तो कमरे को सेट ही नहीं कर रहे यार। नया कमरा आपको बना के दिया और आप तो कोई सफाई सफाई का ख्याल ही नहीं रखा यार आपने तो, यार ऐसा तो नहीं करें यार। ये हमारे जैन साहब का कमरा है और ये इनका W11 वाला कीबोर्ड है। W11 बसों में जैसे लाइटें लगी होती हैं वैसे इसमें भी लगी हुई हैं लाइटें। ये इनका स्टूडियो है जैन साहब का, और ये जैन साहब हैं माशाल्लाह से, ठीक है जी।